नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल, आज आपका स्वागत है साहिल क्विज गुरु पर। तो आज हम देखेंगे हैलोजनेशन ऑफ फेनॉल, जो कि रिएक्शन ऑफ फेनॉल के पार्ट में टॉपिक से आता है। तो हम देखेंगे आज हैलोजनेशन ऑफ फेनॉल, क्या देखेंगे, हैलोजनेशन ऑफ फेनॉल। तो हैलोजनेशन फेनॉल में हमने देख लिया था कि फेनॉल से यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमाइड फेनॉल कैसे देखा था। तो आज हम देखेंगे उसका ही सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड जो रिएक्शन है कि हम उससे ऑर्थो ब्रोमो फेनॉल और पैरा ब्रोमो फेनॉल कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी मैकेनिज्म पर आज हम देखेंगे। तो देखिए, जल्दी से फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए मतलब यहाँ पे जो हमारा फेनॉल रहता है, ये है फेनॉल का स्ट्रक्चर, देख लीजिए, ये है फेनॉल का स्ट्रक्चर। तो उसके बाद इसको जब हम बी आर टू से रिएक्ट करते हैं, वो भी एक लो टेम्परेचर पर CS2, ये जो सॉल्वेंट के साथ जब हम इसे करते हैं, तब देखिए हमें एक तो क्या मिलेगा, एक तो 2 ब्रोमोफेनॉल मिलेगा हमें, इस तरह कुछ। इसे हम ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल कह सकते हैं, एक अच्छा इसका नेम है, तो वो है ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे ये ऐसा OH पैरा ब्रोमोफेनॉल ये भी बन सकता है उसमें से। तो ये कैसे बनेगा, वही हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी। तो इस तरह हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ऐसे और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH रहता है, उसके बाद जो रहता है यहाँ पे, ये है फेनॉल का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। उसके बाद जो BR जो आता है, वो BR इस पर जिस तरह अटैक करता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, BR2 के दो ग्रुप पड़ते हैं, एक BR प्लस और यहाँ पे देखिए, BR माइनस और यहाँ पे एक उसका पार्ट गिरेगा BR प्लस, ये दोनों में से एक तो हमारे फेनॉल में अटैच हो जाएगा, ये समझ लीजिए आपका, ये फेनॉल में अटैच हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो फेनॉल में अटैच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा जो फेनॉल रहता है, मतलब जो भी हमारा प्रोपेन रहता है, देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बना के बताता हूँ। देखिए इस तरह कुछ जो हमारा फेनॉल रहता है, यहाँ पे ये है प्रोपेन और यहाँ पे हमारा फेनॉल। ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे OH निकाल दिया, ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है फेनॉल का। उसके बाद यहाँ पे हर एक पॉइंट पर एक H कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। तो इस तरह यहाँ पे सारे H जो जुड़े हुए रहते हैं। बाद में फिर जब BR नेगेटिव जब यहाँ इस पर अटैक करता है,
जब या इस जगह पर जब वो अटैक करता है, देख लिया, इस जगह पर जब वो अटैक करता है, ये देखिए, जब वो इस जगह पर अटैक करता है, जब वो इस जगह पर अटैक करता है, तब आपको क्या मिलता है? तब ये यज जो है यहाँ से गायब हो जाता है, और ये भी यहाँ से गायब हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बी आर। यहाँ पे हमारा बी आर जो है वो अटैच हो गया है। तो देखिए, यही हम वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे बी आर ये हो गया है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, उसी 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 मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बी आर ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल में समझाया, उसी तरह आपको यहाँ पे पैरा ब्रोमोफेनॉल में यहाँ पे हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ तो कैसा हो जाता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे वो पैरा में आ जाता है। देखिए यहाँ पे पैरा में वो आ जाता है। ये देखिए ऐसा 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 कुछ ऐसा 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 ये ऐसे कुछ भी रहता है। उसके बाद ये जो है उसी फॉर्मूले से वो अगर इस तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर वो आ गया है तो उसे हम पैरा मतलब ये एकदम पैरेलल जैसा रहता है, इसलिए इसको पैराफेनॉल कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम ऐसे ही वीडियो ला के दे देते उसके बाद हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए, आपका डिसलाइक मुझे और अच्छा बनाता है, और आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।